दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का लोकल न्यूज में। मैं आपका होस्ट हूं कौशिक और मैं आपको बताऊंगा आज कागज मंडल के कुछ खास समाचार। समाचार को शुरू करेंगे सबसे पहले आज की हेडलाइन से। पेद्दावागु में आ रहा प्राणहिता का पानी, सिकंदराबाद से मुजफ्फरपुर के लिए स्पेशल ट्रेन, 12 करोड़ रुपए लेकर व्यक्ति फरार, नारायण राव जी की पत्नी का देहांत, इस साल 1 बिलियन टर्नओवर का टारगेट, पुलिस ने शुरू की अल्कोहल टेस्टिंग। तो शुरू करते हैं आज के समाचार को। पहली खबर, जैसा कि हमने आपको हेडलाइंस में बताया, पेद्दावागु नदी को लेकर है। मैं आपको एक तस्वीर बताना चाहूंगा दोस्तों, देखिए इस तस्वीर को ध्यान से। यहाँ पे दो नदियां मिल रही हैं। ये तस्वीर है पेद्दावागु और प्राणहिता नदी के उस पॉइंट की जहाँ पे दोनों मिलते हैं। जी हाँ, एक नदी प्राणहिता है, दूसरी हमारी लाइफलाइन कागज नगर की जो है पेद्दावागु वो है, और ये दोनों पेंचिकलपेट मंडल के मुरलीगुड़ा के पास में मिलते हैं। वैसे खबर ये है कि प्राणहिता नदी में बहुत पानी आ गया है और उस पानी का जो बैक वाटर है वो हमारे पेद्दावागु में भी चढ़ने लगा है। एक तरफ जहां हमारी पेद्दावागु खत्म होती है प्राणहिता में, वहां से पानी घुस रहा है, तो दूसरी तरफ आज प्रशासन ने एक और नोटिस जारी करते हुए बताया कि उन्होंने आड़ा डैम का तीसरा गेट भी खोल दिया है। अब दोनों तरफ से पेद्दावागु में जो है जलस्तर बढ़ रहा है, तो ये एक चिंता वाली बात है। दोस्तों, नदी के आसपास न जाना ही अभी समझदारी है, और जो लोग रहते हैं नदी के आसपास में पेद्दावागु के, उनको भी हम ये सूचित करना चाहेंगे कि आप थोड़ा सावधान रहिए। खास तौर पे पेंचिकलपेट मंडल में अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो आप तो ज़रूर सावधान रहिए, क्योंकि जल स्तर बढ़ने से जो है बाढ़ जैसी परिस्थिति आ सकती है। अब चलते हैं आज की दूसरी खबर पर, जो कि है एक स्पेशल ट्रेन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एक खुशी की खबर है। सिकंदराबाद से बिहार के मुजफ्फरपुर के लिए एक स्पेशल ट्रेन अनाउंस की गई है। मैं आपको उसकी एक नोटिस दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, साउथ सेंट्रल रेलवे ने ये नोटिस जारी करते हुए बताया है कि एक नया स्पेशल ट्रेन शुरू हुआ है। इसको जो है 16 जुलाई के दिन से शुरू कर दिया गया है और ये 24 सितंबर तक चलेगी। ये ट्रेन बिहार के मुजफ्फरपुर को सिकंदराबाद से जोड़ेगी और हर मंगलवार सुबह 11:15 बजे मुजफ्फरपुर से निकलेगी और करीब 12 बजे बुधवार को रात में ये सिकंदराबाद पहुंच जाएगी। वहीं रिटर्न जर्नी में ये ट्रेन गुरुवार को सुबह 4 बजे सिकंदराबाद से निकलेगी और शाम 4:30 बजे शुक्रवार को ये मुजफ्फरपुर पहुंच जाएगी। मुजफ्फरपुर से जब ये सिकंदराबाद आएगी तब इसका ट्रेन नंबर होगा 05293 और जब रिटर्न जाएगी तब इसका नंबर होगा 05294। बेसिकली इसको जो है बिहार का हाजीपुर डिवीजन चला रहा है और इसके जो भी स्टॉप्स हैं मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। सिकंदराबाद से निकलने के बाद ये ट्रेन काजीपेट रुकेगी, काजीपेट के बाद ये पेद्दापल्ली रुकेगी और उसके बाद रामगुंडम रुकेगी, मंचिरियाल स्किप करके बेल्लमपल्ली रुकेगी और कागजनगर रुकेगी, फिर ये बलारसा, नागपुर, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना होते हुए ये प्रयागराज के छिंकी स्टेशन पर जाएगी, फिर वहाँ से डायरेक्ट ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुगल सराय चली जाएगी, फिर उसके बाद में जो है इसका स्टॉप बक्सर में है, आरा में है, दानापुर में है और ये पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। उसके बाद ये गंगा नदी पार करके हाजीपुर रुकेगी और सीधे मुजफ्फरपुर की ओर चली जाएगी। तो ये एक ट्रेन है जिससे कि लोग आवाजाही कर पाएंगे बिहार के लिए आसानी से। इसमें टिकट की अवेलेबिलिटी भी मिल जाएगी आराम से। इसमें एक फर्स्ट क्लास का कंपार्टमेंट भी होगा एसी का, उसके अलावा एसी 2 टायर 3 टायर के कोचेस भी है, एसी 3 टायर इकोनॉमी कोच भी है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जनरल और स्लीपर कोच इसमें नहीं है, ये एक प्योर एसी ट्रेन। तो ये एक ट्रेन जो है अभी चलेगी, टिकट तो मिल जाएगी लेकिन चूंकि स्पेशल ट्रेन है तो टाइम टेबल आप लोगों को पता ही होगा, ये मेंटेन नहीं कर पाएगी। खैर, चलते हैं अब अगली खबर पे। अगली खबर एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। जी हाँ दोस्तों, कागज नगर शहर में एक व्यक्ति 12 करोड़ रुपए की घोटाला करके भाग जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये किस्सा है प्रशांत का। प्रशांत एक SBI का CSP चलाते हैं। CSP मतलब आप लोग जानते ही होंगे, कस्टमर सर्विस पॉइंट, एक छोटा खाटा बैंक SBI का, यहाँ पे आप पैसे डाल सकते हो, निकाल सकते हो। तो प्रशांत का CSP है, उसमें उनके अलावा और 2-3 लोग काम भी करते हैं और बहुत सारे लोग पैसे डालने निकालने के लिए आते हैं। तो कुछ लोगों ने देखा कि प्रशांत के लड़के ही दुकान पर बैठ रहे हैं, प्रशांत आजकल दुकान पर नहीं आ रहा है और इससे उनकी टेंशन बहुत टाइट हो गई।
असल में विषय क्या है पूरा जानते हैं। प्रशांत चूंकि CSP चलाते हैं, उनको बहुत सारे लोग मतलब नेटवर्क मालूम हो गए हैं, बहुत सारे लोग उनके पास पैसे निकालने और जमा करने के लिए आते हैं, लाखों रुपयों का रोज जो है ट्रांजैक्शन होता है। ऐसे में कई लोगों के साथ प्रशांत की दोस्ती हो जाती है और कई लोगों को जो है वो अपनी बैंकिंग सेवाओं के अलावा खुद प्राइवेट अपनी चिट फंड की सेवा भी देते हैं, चिट्ठी चलाना या फिर वड्डी पे पैसे देना बहुत कम रेट पे। ऐसे करके जो है प्रशांत ने बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस जीत लिया। कॉन्फिडेंस जीतने के बाद क्या हुआ कि वो CSP में आना बहुत कम कर देता है। फिर कई लोग देखते हैं कि उनके पैसे धीरे धीरे जो है बैंक अकाउंट में गायब होते जा, मतलब पैसे जा रहे हैं जमा करने लेकिन प्रशांत उसको जो है बैंक में नहीं डाल रहा है और कह रहा है कि मैंने चिट्ठी में लगा लिया, ये अच्छी स्कीम है, ये है वो है। ऐसे करके लोगों को अपने काबू में करके प्रशांत ने बहुत सारे लोगों के पैसे रख लिए और वो दे नहीं रहा है। इससे जो है पब्लिक परेशान हो गई, उन्होंने पुलिस में कंप्लेन की। पुलिस ने प्रशांत को इस बारे में धमकाया भी कि आप ये जो पैसे की हेरा फेरी कर रहे हो इसको थोड़ा कंट्रोल करो। कुछ दिनों के बाद प्रशांत ने एक वीडियो लॉन्च किया फेसबुक, वो लाइव था फेसबुक पे और उसने बताया कि अब वो सुसाइड करने जा रहा है। जी हाँ, तुरंत लोगों ने फेसबुक पे उसको देखा लाइव कि वो पटरियों के पास में सुसाइड करने जा रहा है और ऐसे में पुलिस को खबर गई तो पुलिस ने जांच की तो बताया कि वो सिरपुर टाउन रेलवे स्टेशन के पास कहीं पर पटरियों के आसपास मौजूद है और ये वीडियो बना रहा है। तत्काल में जो है हमारे पुलिस ऑफिसरों ने वहाँ से उसको रेस्क्यू किया। उसके बाद वो ऐसे गायब हुआ कि कुछ लोगों की हालत टाइट हो गई। हमारे एक मित्र हैं रमेश जी, उन्होंने हमें बताया कि 3.5 लाख रुपये उन्होंने जमा करने के लिए दिए थे प्रशांत को लेकिन अब तक जमा नहीं। अब रमेश जी ने बताया कि उन्होंने अपने कई दोस्तों के साथ मिलकर प्रशांत के ऊपर केस बुक किया और ये भी जानकारी मिली है कि प्रशांत ने भी एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया है, मतलब अगर वो गिरफ्तार भी हो तो पहले ही उसको बेल मिल जाए, कोर्ट से उसको बेल लेने की बाद में ज़रूरत ना पड़े। तो ये सब चल रहा है, प्रशांत गायब है, 12 करोड़ रुपये उनके पास में है लोगों के और वो अभी तक कागज़ नगर में दिखाई नहीं दे रहा है। अब अगली खबर पर चलते हैं जो कि राजनीतिक है। आप सभी को याद होगा कागज़ नगर के एक MLA हुआ करते थे KV नारायण राव, काफ़ी पुराने व्यक्ति, वो तेलुगु देशम पार्टी के MLA थे यहाँ से और बहुत बड़े लीडर थे तेलुगु देशम पार्टी में। कहा जाए तो कागज़ नगर की जो भी आज राजनीति है ये उन्होंने ही एक ज़माने में सेट की है। आज जो भी लीडर्स हम देखते हैं, पालवाई फैमिली हो या फिर कोनप्पा साहब कोनेरू फैमिली हो, ये सारे लोग उनके पास से ही तैयार होकर निकले। तो KV नारायण राव साहब तो बहुत साल पहले गुजर गए, आज उनके परिवारजनों ने खबर दी कि उनकी जो पत्नी है वसंता कुमारी जी, आज उनका देहांत हो गया हार्ट अटैक से। हैदराबाद में वो लोग रह रहे थे और काफ़ी उम्र हो गई थी और कई लोगों को जो है जैसे जैसे नारायण राव साहब ने काम किया अब उनके साथ में उनकी पत्नी ने भी बहुत साथ दिया उनको और कहीं ना कहीं आज के राजनीतिक जितने भी लोग हैं उन लोगों ने वसंता जी के हाथ का खाना ज़रूर खाया होगा। तो उनको जो है हमारे लोकल TV की पूरी टीम की ओर से हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने कागज़ नगर के डेवलपमेंट में अपनी भी भागीदारी अपने तरफ से दी है। चलिए चलते हैं अब अगली खबर की ओर, जहाँ पे RTC ने एक चौंकाने वाली घोषणा की है। हमारे तेलंगाना RTC ने एक तरफ जहां लेडीज़ को फ्री बस सर्विस दे रखी है, टिकट तो कट रहे हैं लेकिन पैसे नहीं आ रहे, वहीं दूसरी तरफ पे RTC ने एक नया कमाल का एक स्टेटमेंट लॉन्च किया है। हमारी तेलंगाना RTC ने कहा हमारा टारगेट है इस साल 2024-25 में वो लोग 1 बिलियन, मतलब आप समझ रहे हैं ना, 8,300 करोड़ रुपये का व्यापार करेंगे, ऐसा टारगेट सेट किया है। अब इसको लेकर के कई लोग कई राय रख रहे हैं, आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। चलते हैं आखिरी खबर पे, पुलिस डिपार्टमेंट ने एक नई ड्राइव लॉन्च की है, अब वो जगह जगह पे चेकिंग भी कर रहे हैं जो कि स्वाभाविक है, साथ में आजकल अल्कोहल मीटर भी लेकर घूम रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक नई खबर है, अब गाड़ी चेकिंग तो होगी, पेपर चेकिंग भी होगी लेकिन ड्राइवर का अल्कोहल टेस्ट भी होगा। तो अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते पाए गए तो आपको मालूम ही है कितना फाइन पड़ने वाला है, ये हमने आपको पहले भी हमारे न्यूज़ में बता दिया है। खैर, हम सभी को हिदायत देंगे, शराब अगर पी है तो गाड़ी ना चलाएं, अपने साथी को दें गाड़ी चलाने के लिए या फिर किसी को बुला लें जो कि आपका गाड़ी चला के आपको ले जाए। तो आज के खबरों में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली न्यूज़ में, तब तक के लिए दीजिए आपके अपने दोस्त मुझे यानी कौशिक को इजाज़त।
मिलते हैं अगले समाचार में। नमस्कार।